चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम वितान पुस्तक के अंतर्गत की तीसरी रचना अतीत में दबे पांव, जिसे ओम थानवी ने लिखा है, उसका सारांश और प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ओम थानवी जी के बारे में कुछ जानते हैं। ओम थानवी मूल रूप से एक सजग और सतर्क पत्रकार की पहचान रखते हैं। उनका जन्म 1957 में हुआ। वे अनेक वर्षों तक राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में संपादक के तौर पर काम करते रहे और उसकी जो इतवारी पत्रिका साहित्य से संबंधित विषयों को लेकर प्रकाशित होती है उसको उन्होंने ही प्रतिष्ठा दिलाई। रंगमंच पर भी वे सक्रिय रहे और अभिनेता तथा निर्देशक के तौर पर उन्होंने अपना योगदान किया। उन्होंने राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर भी रचनात्मक कार्य किया है। सेंटर फॉर एनवायरमेंट नाम की एक संस्था है जिसने उनसे इस विषय पर लिखवाया और बूंदों की संस्कृति शीर्षक से उस किताब का प्रकाशन हुआ है, जिसमें पारंपरिक जल संरचनाओं के जानकारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राजस्थान से ओम थानवी जी ने ही जोड़ा है। थानवी जी को उनके पत्रकारिता के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस समय वो जनसत्ता समाचार पत्र के संपादक के रूप में कार्यरत हैं। तो यह था ओम थानवी जी का परिचय और अब यात्रा वृत्तांत के रूप में उन्होंने मोहन जोदड़ो के बारे में अतीत में दबे पांव शीर्षक से जो कुछ लिखा है हम उसके प्रश्नोत्तरों वाला हिस्सा करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर और उसका उत्तर है, यह सत्य कथन ही है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। सिंधु सभ्यता का ज्ञान प्राप्त करने पर पता चलता है कि वह एक साधन संपन्न सभ्यता तो थी परंतु उसमें राज सत्ता या धर्म सत्ता के कोई चिन्ह नहीं मिले हैं। वहां पर ना तो महल मिले हैं और ना ही बड़े उपासना स्थल। वहां की नगर योजना, वास्तुकला, मोहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एक रूपता से यह तो पता चलता है कि वहां पर अनुशासन था, पर वह शायद सर्वसम्मत अनुशासन रहा होगा, शक्ति वाला नहीं, ताकत वाला नहीं। यहीं पर सब कुछ आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए भव्य महल, ऊंचे मंदिर और विशाल मूर्तियां बनाई गई, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं। खिलौने, मृदभांड, नावें, ये सब प्राप्त हुआ है। नरेश के सिर पर रखा हुआ मुकुट भी छोटा सा है। इसमें प्रभुत्व या दिखावे का तेवर कहीं भी दिखाई नहीं देता। और अब प्रश्न दूसरा, वो भी आपके लिए स्क्रीन पर प्रस्तुत है। उत्तर है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित है। इसलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि के प्रति लगाव ज्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण की गई आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को
तकनीक सिद्ध से कहीं ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। अन्य संविधाओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए भव्य महल, मंदिर और मूर्तियां बनाई गई, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियां, खिलौने और मिट्टी के बर्तन तथा नावें मिली हैं। वहां आकार की भव्यता के स्थान पर कला की भव्यता नजर आती है। और अब बारी है तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न भी आपके लिए स्क्रीन पर। उत्तर है, सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि खुदाई होने पर सिंधु संस्कृति में न भव्य राज प्रासाद मिले हैं, न विशाल मंदिर, न राजाओं महंतों की समाधियां। वहां औजार तो मिले हैं लेकिन हथियार नहीं मिले। वहां आम आदमी के काम आने वाली चीजों को सलीके से बनाया गया है। नगर योजना, वास्तुकला, मोहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि में एक रूपता दिखाई पड़ती है। इन आधारों पर विद्वान ऐसा मानते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। और अब प्रश्न चौथा आपके लिए, आपके सामने स्क्रीन पर। उत्तर है, यह सच है कि यहां किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का आशय यह है कि इन टूटे फूटे घरों की सीढ़ियों पर खड़े होकर आप विश्व की एक महान सभ्यता के दर्शन कर सकते हैं। उसके माध्यम से इतिहास के परे जाकर भी बहुत कुछ देख सकते हैं। आप सीमाहीन हो जाते हैं। कल्पनाओं, परिकल्पनाओं के जरिए आगे का अनुमान खुद लगा सकते हैं। और अब प्रश्न पांचवा स्क्रीन पर आपके लिए। उत्तर है, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव यह है कि खंडहर अपने अतीत की संस्कृति का हमसे परिचय कराते हैं। आज भी हम वहां पर जाकर किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, देहरी पर पांव रखकर सहम सकते हैं, रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस की जा सकती है, किसी सुनसान रास्ते पर बैलगाड़ी की रुंझुन को भी हम सुन सकते हैं। इस प्रकार नगर नियोजन, धातु एवं पत्थर की मूर्तियों, मृदभांड, उन पर चित्रित मानव और अन्य आकृतियां, मोहरें, उन पर बारीकी से की गई चित्रकारी इतिहास के दस्तावेज होने के साथ साथ उस अनछुए समय को भी हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं जो हमने महसूस यहां आकर किया है। और अब प्रश्न छठवां, और इसका उत्तर है, हम मोहनजोदड़ो की उत्खनन के द्वारा प्राप्त सभ्यता के चिन्हों जैसा बिल्कुल एक दूसरा स्थान पाते हैं जबलपुर शहर के निकट कलचुरी कालीन त्रिपुरी। तो आइए मैं आपको कलचुरी काल की त्रिपुरी नगरी के बारे में बताता हूँ। जबलपुर से भोपाल जाते हुए जब आप भेड़ाघाट चौराहे की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते के किनारे एक गांव की नाम पट्टिका दिखाई देती है, तेवर। आप सोचते हैं कि नाम तो जरा अलग सा है, पर यह भी दूसरे गांव जैसा ही एक और गांव होगा। जी हाँ, बाहर से तो यह ऐसा ही है, एक साधारण सा गांव, पर यह असाधारणों में भी असाधारण हैसियत वाला एक गांव है। इसकी जड़ें महाभारत काल तक जाती हैं और पुरातत्वविदों के कारण
आध्यात्मिक समय तक। अरे आपके चेहरे पर तो अचरज और उत्सुकता के भाव आ गए, तो ऐसा करते हैं कि तेवर गांव की सैर कर लेते हैं। बालसागर तालाब के तट से होता हुआ जो संकरा रास्ता आप देख रहे हैं ना, यही तेवर गांव के अंदर हमें ले जाएगा। आइए चलते हैं। देखिए कुछ खपरेल और कुछ पक्के मकानों का सिलसिला आरंभ हो गया है। जरा गौर से देखिए तो तेवर की असाधारण दृष्टिगोचर होने लगेगी। ये छोटी दीवारें जो आंगन को घेरने के लिए बनाई गई हैं, उन पर पलस्तर नहीं किया गया है। उन्हें जरा खोजी निगाहों से देखें तो वहां लगी हुई ईंटें कुछ भिन्न प्रकार की दिखाई देंगी। आम किस्म की जानी पहचानी ईंटों की तुलना में थोड़ा पतली, कुछ ज्यादा चौड़ी और जरा रंगहीन भी, और हल्की इतनी कि मानो उनका कोई वजन ही ना हो। ऐसी ईंटें तो अब बनाई नहीं जाती। ये तो तेवर के करनबेल और हथियागढ़ नाम के स्थानों पर जो खुदाई की गई थी वहां से ये ईंटें निकली हैं, सदियों पुरानी ईंटें। अब जरा घरों के गवाक्षों पर दृष्टिपात कीजिए। अरे वहां सीमेंट की जाली या खिड़की नहीं है, बल्कि कोई मूर्ति ही उस जगह पर जड़ दी गई है, जो गवाक्ष और वास्तु सौंदर्य का निमित्त बन गई है। ऐसी मूर्तियां भी यहां खुदाई से ही निकली हैं। असल में ये कलचुरी कालीन मूर्तियां हैं। ये महत्वपूर्ण मूर्तियां तो तेवर से ले जाकर सागर विश्वविद्यालय, जबलपुर विश्वविद्यालय और अब रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में रख दी गई हैं। परंतु कम महत्व की असंख्य मूर्तियां जो यहीं पर छोड़ दी गई थीं या लोगों को अपने खेतों में, खड्डों में, खाइयों में मिली हैं, उन्हें लाकर उन्होंने इसी तरह अपने घर में सजा लिया है। लीजिए बातों ही बातों में हम बावली तक आ पहुंचे। यह भी कलचुरी कालीन बावली है जिसकी आकर्षक बनावट आपके कदमों को रोक लेगी। स्त्रियां यहां कपड़े धो रही हैं, स्नान कर रही हैं। निकट ही एक उम्रदराज वृक्ष के नीचे विशालकाय शिव मूर्ति रखी हुई है। देखते ही उसकी प्राचीनता का आभास हो जाता है। आगे बढ़ते जाएं और गांव को पीछे छोड़कर जंगल में प्रवेश कर लें तो एक ओर खेतों की कतारें और दूसरी ओर टीले, मिट्टी के ढू और हथियागढ़ किले के भग्नावशेष आपको दिखाई देने लगेंगे। यहां अब कुछ प्रस्तर स्तंभ ही बचे हैं। शेष स्तंभों को 2 शताब्दी पहले रेलवे पुल के निर्माण में उपयोग कर लिया गया है। मिट्टी के टीलों में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां थोड़ा सा कुरेदने पर ही अनाज के दाने निकलने लगते हैं, काले रंग के, जले हुए किंतु अपना आकार अब भी बनाए हुए। मिट्टी में ही पकी मिट्टी के ऐसे टुकड़े भी मिल जाते हैं जो उन बर्तनों के अंश हैं जिनमें त्रिपुरी के तत्कालीन नागरिक अन्न संग्रहण किया करते रहे होंगे। जब नगर मिट्टी में दबा होगा तब ये अनाज भंडार भी मृदा गर्भ में चले गए होंगे। मिट्टी की गर्मी और सदियों के समय ने इन दालों को जलाकर राख कर दिया है और अब ये पुरातात्विक महत्व के हो चुके हैं। त्रिपुरी का नाम अनेक दृष्टियों से प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए आकर्षणपूर्ण है। शताब्दियों तक यह स्थान संस्कृति, कला और इतिहास का केंद्र बना रहा। त्रिपुरी के कलचुरी शासकों ने यहीं से भारत के सुदूर प्रदेशों में शासन किया। पुरातात्विक खोजों से भेड़ाघाट के निकट के इलाके में पुरापाषाण युग के अनेक जीवाश्म मिले हैं। यहां पाषाण अस्त्र भी मिले हैं। इनमें कुल्हाड़ियां, विदारणियां, गंडासे प्रमुख हैं। मध्य पाषाण युग और उत्तर पाषाण युग के औजार भी बड़ी संख्या में पाए गए हैं। उनमें चकमक और सूर्यकांत की खुरचनियां विशेष महत्व रखती हैं। इनका काल आज से 20,000 वर्ष पूर्व
का ठहरता है। पाषाण युगीन अस्त्र 5000 साल पुराने हैं, जिनमें बारीक छुरियां हैं, खुरचनियां हैं, गार, चकमक और सूर्यकांत पत्थर के क्रोड़ पाषाण उल्लेखनीय हैं। ये खोजें बताती हैं कि वर्तमान तेवर गांव और भेड़ाघाट में पुरापाषाण काल में ही मनुष्य के चरण पड़ चुके थे, मनुष्य आ चुका था यहां। त्रिपुरी का प्रथम काल प्राचीनतम ज्ञात संस्कृति ताम्राश युगीन संस्कृति का काल है। इस संस्कृति के लोग लघु पाषाण अस्त्रों, चित्रकारी पूर्ण मृद भांडों का उपयोग करते थे। चकमक पत्थर, सुलेमानी पत्थर, गार, बिल्लौर और सूर्यकांत से बने हुए छोटे पाषाण उपकरणों का उपयोग करते थे। ये सभी वस्तुएं काली मिट्टी की सघन सतह में मिले हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार वाली खुरपियां, दुधारी छुरियां, बाणाग्र और टांकियां भी प्राप्त हुए हैं। त्रिपुरी में क्रोड़ भी मिले हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि लघु पाषाण उपकरणों का निर्माण उद्योग त्रिपुरी में ही होता था। त्रिपुरी वासी उनकी निर्माण कला में निष्णात थे। यहां से अभ्रक मिश्रित मिट्टी के चित्रकारी पूर्ण बर्तन भी मिले हैं। ये बर्तन मोटे और बड़े घड़ों के कोणाकृति वाले ऊपरी भाग हैं। इतिहास वेत्ता अनुमान लगाते हैं कि त्रिपुरी पर आक्रमण हूणों ने किया होगा। कुछ अन्य मानते हैं कि शैवियों ने बौद्धों के विनाश के लिए यहां युद्ध किया होगा। जो भी हो, उत्खनन, शिलालेखों, ताम्रपटों आदि ने त्रिपुरी के इतिहास के वे दरवाजे खोले हैं जो सदियों से बंद थे और खोजियों की व्याकुल प्रतीक्षा में थे। अब प्रश्न 7वां आपके सामने स्क्रीन पर। उत्तर है जी हां, सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। इसके पक्ष में अनेक तर्क दिए जा सकते हैं। मोहनजोदड़ो के नगर के निकट से बहती हुई सिंधु नदी, बड़ी संख्या में नगर में बने हुए कुएं, स्नानागार और पानी निकासी की आला दर्जे की व्यवस्था इसी बात की पुष्टि करते हैं। प्रत्येक घर में स्नानागार था। घर से निकला हुआ पानी नालियों के माध्यम से बाहर हौदी में आता था और वहां से फिर नालियां के जरिए आगे जाता था। कहीं कहीं नालियां ऊपर से खुली हुई हैं, परंतु अधिकतर नालियां ऊपर से ढकी हैं। नगर में कुओं का भी प्रबंध था। ये कुएं पक्की ईंटों के बने थे। अकेले मोहनजोदड़ो नगर में ही 700 कुएं पाए गए हैं। यहां का महाकुंड लगभग 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। लिहाजा हम लेखक के कथन से पूरी तरह सहमत हैं। तो यह था ओम थानवी के यात्रा वृत्तांत अतीत में दबे पांव के प्रश्नोत्तरों वाला हिस्सा। कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।